कारू के नशे में अब लड़ेंगे खंभे से और खंभे को कहेंगे माफ करना, लेकिन लाफ्टर के नशे में आप सीखेंगे दिल को साफ करना। अपने कॉमेडी से आपके दिल पर राज करने आ रहे हैं राधे श्याम भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी। हेलो राधे श्याम जी, नमस्कार। नमस्कार राधे श्याम जी। आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अर्चना जी, नमस्कार। आदरणीय गुलाटे साहब, हेलो राधे श्याम जी। आप सभी को राधे श्याम भारती का यथोचित प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आदरणीय शेखर जी, अर्चना जी, मैं जब इस शो में आया था डॉक्टर साहब तो 72 साल का था, और ऐसा अपनापन दिया है आप लोगों ने, 22 साल का हो गया। देखिए कुछ चीजें जो देखने में तो खराब लगती हैं डॉक्टर साहब, मगर होती है अच्छाई। मगर ये जो नोक झोंक है डॉक्टर साहब, रोज रोज की मियां बीबी की तू तू मैं कह रहा हूं आदरणीय शेखर जी, अर्चना जी, कि ये देश के हित में है। देहात शहर कस्बा यहां या वहां रहते, बीबी मियां लड़ते ही हैं चाहे जहां रहते। अरे हम रोज झगड़ते हैं तब 135 करोड़, हम प्यार से रहते तो बताओ कहां रहते। सर, बड़ी व्यस्तताओं में हम लोग जी रहे हैं। हर आदमी व्यस्त है, साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती। आप भी व्यस्त रहते हो तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा। साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीबी है घर गृहस्थ हैं, लड़के भी चार हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं। ये गंदी बात है, पता मेरे को, मैं समझ गया। ये जमाना कहां था, देखते ही देखते कहां से कहां निकल गया। पहले का प्यार जीवन भर का होता था, आजकल का प्यार जवानी भर का भी नहीं ब्रेकअप भर का होता है। वाह वाह। पहले लैला के प्यार में दीवाना होकर मजनू ने बरसों तक सहा था संताप, अब गली गली में मजनू के बाप। क्या प्यार है, क्या प्यार है इलू इलू। जनवरी में आई लव यू, फरवरी में आई लीव यू, मार्च खत्म होते होते आई विल किल यू। शेखर जी, अर्चना जी, अरे तब क्या था, अब तो कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर है। भैंस घुसे या भैंसा इसमें बन के निकलेगा। तब आदमी थोड़े में संतुष्ट था, चैन की नींद सोता था, अब सोने की चैन पहनता है, रात भर करवट बदलता है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं कवि हूं, व्यंगकार हूं, समाज में जो कुरीतियां दिखाई देती हैं, विकार दिखाई देते हैं, उस पर व्यंग करता हूं। आजकल हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब पढ़े, पढ़े और जंप मार कर आगे बढ़े, बढ़े और डायरेक्ट पैसे के पेड़ पर चढ़े। इसे देखते हुए शहर कस्बा गांव बाजार चारों तरफ बड़े जोर शोर से होने लगा है शिक्षा का प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार के इस कार्य में सब जी जान से जुट गए हैं, एकदम तुल गए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले विश्वविद्यालय खुल गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यापक रेगुलर क्लास लें तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, तो फिर कोचिंग क्लास में कौन पढ़ेगा। शर्मा जी इसलिए रेगुलर क्लास नहीं लेते क्योंकि वर्मा जी भी तो नहीं लेते। हाँ।
शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। गुप्ता जी पिछले 6 महीने से यही एक ताजमहल वाला पाठ पढ़ा रहे हैं। गुप्ता जी मानते हैं कि बच्चे ताजमहल के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चे भी जान गए हैं कि गुप्ता जी ताजमहल के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे अब वो जमाना गया जब सामने से मास्टर साहब को आता हुआ देखकर लड़के छुप जाते थे। अब मास्टर जी खुद छुप जाते हैं। कोई भरोसा है कि ये होनहार कब कैसा बर्ताव करने लगे, कब क्या बोल दें? बच कर ना रहे तो गुरु जी की धोती खोल दे। अब ये अंगूठा कटाने वाले नहीं, अंगूठा दिखाने वाले एकलव्य हैं। मौका मिलते ही गुरु दक्षिणा अदा कर देते हैं। 4 लड़कों के बीच में फंस जाए तो गुरु जी को द्रौपदी बना देते हैं। और तो हमारी राजनैतिक पार्टियां छात्र संघों के चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। छात्रों को राजनीति के गुर सिखाती हैं। ठीक भी है। ये छात्र विश्वविद्यालय में हाथ नहीं आजमाएंगे तो कल को कैसे विधानसभा में जूता चलाएंगे? अब कोर्स में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, बस यहीं तक तो है। दृष्टिकोण कहां पढ़ाया जाता? तो ये नौजवान पढ़ लिख कर जैसा करने लगते हैं बर्ताव, उसमें नहीं है कोई ताज्जुब की बात, क्योंकि अब कोर्स में कहां पढ़ाया जाता है श्रवण कुमार का पाठ। यही कारण है कि इकलौता बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े होटल में किसी कन्या कटीली के साथ डिनर उड़ाता है। इधर ICU में भर्ती बूढ़ा बाप राह तकते तकते मर जाता। आज की ये शिक्षा लोकमंगल का भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ बटोरने का दांव सिखा रही है। जीवन के रस को सिखा रही है। आंखों की ज्योत कही जाने वाली शिक्षा अब तो बस अंधा बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं आपने राधेश्याम जी। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोहब्बत का मकसद सिर्फ पा लेना होता तो श्याम सिर्फ श्याम होते, राधे श्याम नहीं होते। वाह, आप ये बताइए कि मैं 22 साल के नौजवान से बात कर रहा हूं या 72 साल के बुजुर्ग से। मेरे ख्याल से मेरे सामने जो आपकी एनर्जी दिखी है वो एक 22 साल के नौजवान की है, शायद इससे भी कम। लेकिन आपकी सोच में एक बुजुर्गियत थी, एक ठहराव था, एक गहराई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। जो आज सीख जो हमें दी है उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, आपने तजुर्बे, एक्सपीरियंस और नॉलेज के लेंस के थ्रू जो आपने दुनिया देखी है, आपने वही हमारे सामने यहाँ पर बयां की है। कहते हैं सच्ची कला वो होती है जो समाज को आईना दिखाती है, हमें आईना दिखाती है। आपने वो आईना आज हमें दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। राधेश्याम जी, मैं सवेरे तक सुन सकता हूँ ये जो बातें आपने की हैं। मैं आप मुझको सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। मैं आपको पपी कर सकता हूँ, प्लीज पपी कर सकता हूँ यार। यू नो व्हाई, जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना अपनी बातों को एक मैसेज से, जी जी जी, व्यंग करते हैं आप, उसी तरह मैं भी अपनी मेडिकल रिसर्च को कनेक्ट करता हूँ। किसके साथ? आम आदमी के यूसेज से। हाँ। जैसे घर की सफाई के लिए आप गरारे कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप गरारे करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे आपको जाले दिख जाएंगे ऊपर। यू नो, आप उसको साफ करेंगे। और टॉयलेट में आप मोबाइल नहीं देके जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा वही काम जो आप 20 मिनट में कर रहे थे 5 मिनट में कर रहे हैं। ये मेरी रिसर्च का सारा हिस्सा।
राधेश्याम जी इतना मजा आया और आपको मैं हग आज के एक्ट के लिए नहीं करने आया, जो आपने शराब पे सुनाया था ना। है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, लड़ेगा खंभे से, खंभे से बोलेगा भाई माफ कर। लूट गया मैं, जो शराब पे सुनाया था मैं लूट गया। आज डॉक्टर साहब को गुलाटी मारने दीजिए। सारे शराबी भाइयों के लिए आपने जो नींव पत्थर डाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे शराब पीता नहीं, जिस दिन मेरा मूड खराब होता है मैं उस दिन पीता हूँ। अच्छा। रोज शाम को 8-9 बजे मेरा मूड खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ मैं होटल में ठहरा था, मैं होटल की रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा 102 नंबर की चाबी दे दो, कहते 102 में तो कोई ठहरा हुआ, मैंने कहा मैं ही ठहरा था, शराब पी के खिड़की से नीचे गिर गया था। इतना मजा आता है मुझे वो शराबी वाली कविता सुन के। अरे श्याम जी आई एम योर फैन, आई लव यू। अच्छा सुशील जी आपने सारे में ऐसे ऐसे किया, ये हिंदी के कितने शब्द आपको समझ में आए? व्हाट इज सकारात्मक, व्हाट इज दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जिन्होंने कहा जो त्रिकोण, वो आपके दृष्टि में जब कौन आते हैं वो दृष्टिकोण हो जाता है। मेरी दृष्टि में तो आपको पता है कौन आते हैं। हेलो मुझे लंगड़ी खेलना है आपके साथ। डॉक्टर गुलाटी अपने पुराने लोगों को भूल गया क्या? वो एक एक्ट था, रियलिटी कुछ और है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।